अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो टेक रिव्यू है जिसमें मैं Redmi Note 9S का रिव्यू करूंगा। मैंने 2 महीने पहले Redmi Note 9S को बाय किया और मैं इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा हूं 2 महीने से। तो आज मैं आपको वो बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है इस मोबाइल के साथ और आपको ये मोबाइल ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो स्टार्टिंग विद द बॉक्स, आपको बॉक्स पे दोनों साइड्स पे Redmi Note 9S की ब्रांडिंग नज़र आएगी, सामने इस तरह का मोबाइल का डिज़ाइन नज़र आएगा। 4 कैमरा सेटअप है और फ्रंट पे सेंटर होल पंच कैमरा है इसका। और मोबाइल के डाउन साइड पे आपको इसकी की फीचर्स नज़र आएंगे जिसमें Redmi Note 9S ग्लेशियर वाइट, क्योंकि मेरा मोबाइल ग्लेशियर वाइट कलर में है, और 6GB रैम, 128GB ROM और ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और इसके बाद इसमें जो कंटेंट्स हैं बॉक्स के अंदर वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे कि आपको एक अडाप्टर मिलेगा, सी टाइप केबल, सिम एजेक्टिंग टूल, सॉफ्ट केस और ये सारी चीज़ें। तो चलें आपको ये भी दिखाता हूँ कि बॉक्स के सबसे पहले आपको एक सिम एजेक्टर टूल मिलेगा यहाँ पे, जिसे आप सिम वगैरह इजीली कर सकते हैं चेंज। और आपको साथ ही ये यूज़र मैनुअल गाइड मिलेगी और साथ ही ये वारंटी कार्ड की एक बुक मिलती है जिसमें आपको बताया जाता है कि वारंटी एक्चुअली किस चीज़ के लिए वैलिड है। इसके साथ ही आपको एक वारंटी कार्ड आपको एक अडेप्टर मिलेगा जो 22 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और मेरा एक्सपीरियंस इस अडेप्टर की चार्जिंग के साथ बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में आपका मोबाइल फुली चार्ज कर देता है। और सिंस मोबाइल की बैटरी काफ़ी बड़ी है, 5000 mAh की है, तो ये 1 से 1.5 दिन इजीली निकाल जाता है। साथ ही ये सी टाइप केबल मिलती है। सो हेयर आई हैव द मोबाइल Redmi Note 9S, जिसकी फ्रंट स्क्रीन पे आपको सेंटर पंच होल कैमरा मिलता है सेल्फी के लिए, जो 16 मेगापिक्सल का है, जो काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आपको निकाल के देता है। और बैक साइड पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, और बाकी आपको साथ वाइड एंगल लेंस, कैमरा लेंस और डेप्थ सेंसर लाइक जो पोर्ट्रेट वगैरह के लिए यूज़ होते हैं वो मिलेंगे। और ये Redmi की ब्रांडिंग आपको मोबाइल पे नज़र आएगी। मोबाइल की जो बैक है वो टोटली ग्लास है, तो ये काफ़ी आपको प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है, लाइक इन हैंड फीलिंग मोबाइल की बहुत अच्छी है। और चलिए अब मोबाइल के बारे में आपको थोड़ा सा और बताते हैं। तो ये इसका यूज़र इंटरफेस इस तरह का है थोड़ा सा मोबाइल का, और नीचे से अगर आप स्वाइप अप करेंगे इसको तो आपको ऑल ऐप्स नज़र आएंगे, लाइक जो भी आपके मोबाइल में ऐप्स हैं वो आपको इस तरह नज़र आएंगे। 60Hz का रिफ्रेश रेट है इसमें, और रुकिए ज़रा मैं थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस कम करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको शायद बेहतर नज़र आए जी। तो यहाँ से अगर आप इसको राइट से डाउनवर्ड स्वाइप करते हैं तो आपको कंट्रोल सेंटर नज़र आएगा, और लेफ्ट साइड से स्वाइप डाउन करने पे आपको नोटिफिकेशन सेंटर नज़र आएगा। तो सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ मोबाइल के बारे में थोड़ा सा और। तो ये हमारे पास मोबाइल है जिसमें गुरुज़ नेम लिखा हुआ है, मेरे गुरुज़ फ़ोन, और 89GB स्टोरेज मेरे पास ऑक्यूपाइड है। लाइक टोटल इसकी स्टोरेज मोबाइल के 128GB है, और 6GB रैम के साथ आता है, 720G स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है जो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, और इस प्राइस में आपको कोई भी कंपनी ये वाला प्रोसेसर प्रोवाइड नहीं करती। कंट्रोल सेंटर है इसमें, आपके जो मेन आपको ऐप चाहिए उनको आप प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, और जो ऐप्स आपको मतलब ज़्यादा यूज़ या जो एक्शन ज़्यादा यूज़ नहीं आप करते उनको आप यहाँ पे नीचे कर सकते हैं सेट, लाइक वो सब आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन एक दिया हुआ है, वहाँ पे आप सब जाके कर सकते हैं। और आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइक आजकल हम सुनते रहते हैं कि मोबाइल बहुत ज़्यादा आंखों को हार्म करते हैं, तो उसके लिए एक रीडिंग मोड भी अवेलेबल है मोबाइल, तो यू कैन सी हाउ द कलर ऑफ मोबाइल हैज़ चेंज बट जस्ट एक्टिवेटिंग द रीडिंग मोड। पूरे मोबाइल के कलर्स ही उसके साथ आपको चेंज होते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये आंखों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है नाइट टाइम पे आपको यूज़ करने में। यहाँ से आप हाँ, और नाइट आप इसके रीडिंग मोड को भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी ब्लू लाइट चाहिए, कितनी रेड लाइट चाहिए, तो वो सब यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये मैंने कैमरा ऐप ऑन किया है, तो इसमें आपको एक तो सिंपल फोटो का ऑप्शन मिल रहा है, उसके साथ ही आपको पोर्ट्रेट, नाइट मोड, 48 मेगापिक्सल की जो आपको पिक्चर देगा वो ये नाइट मोड में पिक्चर बनी, और ये 48 मेगापिक्सल डॉक्यूमेंट्स अगर आप लाइक अगर स्टूडेंट हैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उसमें ये आपको BMW इनहेंस पिक्चर्स करके ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें। और साथ ही आपको इसमें प्रो का एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आप ISO फोकस और बाकी चीज़ें जो हैं लेंस की विड्थ और सब चीज़ें आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन भी दिया जाता है जिसमें आप पैनोरामा, शॉर्ट वीडियो, टाइम लैप्स और एडिट कर सकते हैं कि आपको कौन सी जो ऑप्शंस हैं वो स्क्रीन पर चाहिए और कौन से ऑप्शंस को आप मोर पर रखना चाहते हैं, वो सब हो गया। और इसके अलावा वीडियो की बात कर लेते हैं, वीडियो में आपको यहाँ पे इसके बाद वीडियो की बात कर लेते हैं, तो वीडियो में आपको इसमें 720 at 30 FPS, 1080 30 FPS और 1080 at 60 FPS और 4K 30 FPS भी आपको मिल जाती है। इसके साथ ही आप इसमें
स्लो मोशन वीडियोस बना सकते हैं, और स्लो मोशन में आप इसमें 120 FPS, 240 FPS, 960 FPS तक वीडियो बना सकते हैं। और इसमें ग्रिड लाइन स्ट्रेटिंग और एक मैक्रो का ऑप्शन भी दिया हुआ है, क्योंकि इसमें 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी साथ अटैच्ड है। और फोटोज़ की बात करें तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ओरिजिनल फ़ोटोज़ आएँ तो आप नॉर्मल कैमरा पर बनाएँ, और अगर आप ब्यूटी मोड ऑन करना चाहते हैं तो इसमें ब्यूटी मोड का ऑप्शन भी है, और फिल्टर्स भी हैं लाइक लाइव फिल्टर्स जैसे लगते हैं वो। तो इसके बाद AI का ऑप्शन है जो आपकी पिक्चर्स को नेचुरली उसकी कलरिंग वगैरह को मैनेज कर लेता है। इसमें आपको अगर आप ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सीधा मोबाइल पकड़ के आपसे पिक्चर नहीं खींची जाती, तो आप स्ट्रेटन का एक ऑप्शन है यहाँ पे, वो ऑन करके तो इस तरह से अपना मोबाइल स्ट्रेट रख के पिक्चर्स। तो आजकल जैसे हमें पता है कि हर बंदे को मोबाइल में यूज़ करने के लिए गेमिंग भी चाहिए कि हमें गेम प्ले अच्छा मिले, या फिर आप एक यूट्यूब चैनल यूज़ करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हैवी गेमिंग यूज़ करते हैं या मोबाइल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें 720G प्रोसेसर जो है वो आपको फ्लैगशिप मोबाइल्स में लाइक 70,000 से 60,000 वाले मोबाइल्स में देखने में नज़र आता है जो इसमें आपको मिल रहा है। तो बहुत अच्छा गेम प्ले प्रोवाइड करता है ये आपको। गेम प्ले किस तरह का है वो मैं आपको एक और वीडियो बना के दिखा दूंगा कि किस तरह का है लाइक, और बाकी जो भी गेम्स आपने खेलनी है, अमंग अस, फ्री फायर, सबवे सर्फर, कॉल ऑफ ड्यूटी, जो भी आपको जिस तरह की भी गेम्स चाहिए वो खेलने में आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी। 5000 mAh की बैटरी है, तो अगर आप बहुत ही हैवी गेमर हैं तो फिर भी आपका एक दिन बैटरी से निकल जाएगा, और अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो आई वुड से कि 2 दिन भी आपका मोबाइल आप यूज़ कर सकते हैं। और बाकी इफ़ यू वॉन्ट टू मेक टिकटॉक वीडियो यू कैन ईजिली मेक ऑन दिस डिवाइस, बिकॉज इसका काफ़ी अच्छा कैमरा रिजल्ट है, फ्रंट कैमरे का भी और बैक कैमरे का भी, सिनेमैटिक पिक्चर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और मुझे इस मोबाइल में जो एक चीज़ अच्छी नहीं लगती वो है इसकी ये कैमरा मैम, लाइक यू कैन सी कैमरा काफ़ी मतलब ऊपर है इसकी बॉडी से, तो आप इसको अगर किसी भी सरफेस पे रखते हैं इस तरह से लाइक तो कैमरा नीचे लगता है पहले, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपके निशान पड़ सकते हैं मोबाइल की सरफेस पे, यहाँ पे निशान पड़ सकते हैं। बाकी साइड पे इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि मेटल बॉडी है, और मेटल पे भी स्क्रैचेस तो आ जाते हैं मगर इन वैसे कोई स्क्रैच आपको देखने में नहीं मिलेंगे। ग्लास बैक होने की वजह से आपको इसकी बैक पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं मिलने वाले। अगर आपकी जेब में कोई पेंसिल या कुछ भी है, कोई ब्लेड भी है लाइक ये देखिए, अभी मैं सी टाइप केबल से इसको कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ और है नहीं, तो इसको मैं अगर इसके ऊपर रब भी करता हूँ तो आपको एज सच कोई भी इसके ऊपर स्क्रैच नज़र नहीं आएगा। ये आप अभी आपको थोड़ी सी लाइनें नज़र आ रही होंगी मगर ऐसे हाथ फेरने से ही वो लाइनें गायब। तो यही फ़ायदा है ग्लास का। प्लास्टिक बॉडी में वही, अगर आप कोई भी अगर आपकी जेब में कीज भी हैं तो उससे भी आपके निशान पड़ जाते हैं। और रही बात कैमरा पंप की, तो कैमरा पंप को आप इसका ये जो सिलिकॉन केस इसका बॉक्स में ही आपको मिलता है वो लगा के आप इसको यूज़ करें तो आपको कैमरा पंप भी प्रोटेक्ट हो जाती है। तो अभी इसका मैं कवर कवर भी आपको दिखाता हूँ जो मैंने बाय किया रिसेंटली, ये देखें। तो ये भी एक्चुअली मैंने कैमरा पंप को ही प्रोटेक्ट करने के लिए लिया था, बैक पे काफ़ी एक बड़ा सारा कैमरे का बनाया हुआ है इन्होंने, और ये भी अच्छा है, ठीक है। तो अब इन द एंड बात कर लेते हैं कि अब आपको ये मोबाइल बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि मोबाइल बहुत अच्छा है, लाइक इसकी मोबाइल की प्रीमियम लुक है, फील लुक है, हाथ में अगर आप इसको कैरी करते हैं तो आपको प्रीमियम मोबाइल की लुक आती है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें अच्छी हैं, और साथ ही इसकी इंटरफेस भी अच्छी है, बैटरी बहुत अच्छी है, मगर बात यह है कि हर हफ्ते मोबाइल न्यू आ रहे हैं मार्केट में और सस्ते आ रहे हैं। तो आपका सवाल ये होना चाहिए कि वाई दिस मोबाइल, लाइक वाई नॉट अ मोबाइल ऑफ 20,000 दैट इज ऑफरिंग अस 48 मेगापिक्सल कैमरा। तो भाई बात ये है कि जो आपको 25,000 या 20,000 वाला मोबाइल जो मिलता है ना, उसमें अच्छी चीज़ें कंपनी नहीं लगाती, वो आपको ख़राब चीज़ें या फिर ऐसी चीज़ें जो कि है ही, अगर कोई 5 मेगापिक्सल वाला कैमरा है तो उसको वो 15 मेगापिक्सल या 20 मेगापिक्सल वाला बना के लगा देते हैं मोबाइल में और बेच। और ये बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मुझे कोई इन्होंने पैसे दिए हैं, मैंने अपने पैसों से ये मोबाइल ख़रीदा है और इसका मैं आपको हनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ। साइड पे ये, हाँ इसका मैं बताना आपको भूल गया था कि इसका फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड है, ये भी काफ़ी क्विक है, फास्ट है, फेस रिकॉग्निशन का ऑप्शन भी है इसमें। तो बाय कर लें आप अगर आपको ऑल इन वन मोबाइल चाहिए, और अगर आपको चाहिए कि सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए हमें चाहिए, गेमिंग नहीं चाहिए, तो आप कोई और मोबाइल, ये मोबाइल आपको तकरीबन 36,000 अभी मार्केट में मिल जाएगा, और इसकी सेल भी आपको अच्छी मिल जाएगी। लाइक मैंने ये मोबाइल 2 मंथ पहले 37 का ख़रीदा था,
तो अभी भी ये मेरा मोबाइल 34-33 का इजीली सेल हो रहा है मार्केट में। तो इस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि ये मोबाइल आपको अच्छी सेल भी इन दी एंड बाद में प्रोवाइड कर देता है। तो ये था मेरा रिव्यू। बाकी अब आप पे है कि आपको ये मोबाइल लेना है या नहीं लेना, क्योंकि हर बंदे की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं और हर बंदे की अपनी यूज़ करने की प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो ये मोबाइल है और ये मेरा था Redmi Note 9S का रिव्यू। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम किसी और मोबाइल का रिव्यू या किसी और टेक्नोलॉजी या गैजेट का रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।